आखिर क्यों कार्तिक आर्यन बार बार तलाश रहे हैं पैसे कमाने के अनोखे तरीके? धर्मा के बॉस के भेजे हुए स्पेशल गिफ्ट को बेचने के लिए चिंटू त्यागी सेल्समैन है बने। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, मिस ढिंचैक की इस खबर पर हो खास अटेंशन। गॉसिप क्वीन सुनाने जा रही है सोनू के दिमाग में पैसे कमाने को लेकर चल रही खुराफाती की वो कहानी, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे पैसों की खातिर कुछ भी करेंगे चिंटू त्यागी। As you know, दुनिया भर में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। स्पोर्ट्स से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह कोरोना का असर देखा जा रहा है। स्टार्स से लेकर गवर्नमेंट ने भी सभी को सेफ्टी बरतने की सलाह दे दी है। इस वायरस से बचने के लिए कई नसीहतें भी दी गई हैं। दिल्ली में 31 मार्च तक के लिए फिल्म थिएटर्स बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, 19 मार्च से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बंद होने वाली है। फिल्में, सीरियल्स और वेब सीरीज सभी की शूटिंग्स रोकी जा रही हैं। इसी के चलते कार्तिक की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 की शूटिंग भी बीच में रोकी गई है। लखनऊ के शूटिंग शेड्यूल को बीच में छोड़ सोनू की घर वापसी हो गई है। लेकिन 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 डिमांड में बने हुए कार्तिक को घर बैठे भी सूझ रहा है पैसे कमाने का तरीका। करण के भेजे हुए गिफ्ट को मिस्टर आर्यन ने बेचने का है सोचा। शॉकिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग तो ये है कि जनाब ने करण के इस गिफ्ट की कीमत भी डिसाइड कर ली है और एक नहीं बल्कि पूरे 2 लाख में उस गिफ्ट को बेचने की सॉलिड प्लानिंग की है। एक्चुअली कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सोनू ने मिस्टर जौहर की भेजी हुई आइसक्रीम फ्लॉन्ट की है। कार्तिक वीडियो में साफ साफ बता रहे हैं कि ये बॉक्स करण ने भेजा है और उसमें ढेर सारी आइसक्रीम्स का पिटारा है। क्या लेकर आया वरुण जी? सर इसके अंदर क्या है, मैंने खोल के देखा तो नहीं है। कुछ है जो इसका आराम से आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है, इसे करण सर ने भेजा है। जी सर। इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ साथ कार्तिक ने कैप्शन भी लिखा है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। केजो की भेजी गई आइसक्रीम के एक एक स्कूप को सोनू 2 लाख में बेचने वाले हैं। इतना ही नहीं जनाब, हर स्कूप के साथ GST भी जोड़ने वाले हैं। I liked an ice cream at Karan Johar's place and as a kind gesture, he sent some home. I am selling it for rupees 2 lakhs plus GST per scoop. We have Gucci and Balenciaga flavors. Bookings open. इतना ही नहीं, अभी हाल ही में कार्तिक ने अपनी एक पिक्चर भी पोस्ट की थी जिस पर जनाब के कैप्शन में मनी वाली बात भी मेंशन थी। Jesse, you asked me if I was in the math business or the money business. Neither, I am in the empire business. सोनू के इस पोस्ट पर एक फैन ने कमेंट किया था और रिप्लाई करने पर कार्तिक को 1 लाख देने का वादा भी किया था, जिस पर कार्तिक ने बिना देर किए रिप्लाई भी किया था और तुरंत 1 लाख रुपए भी मांगे थे। वेल, मिस्टर आर्यन के पैसों की तरफ बढ़ते कदम साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि चिंटू त्यागी कोरोना वायरस के बाद भी पैसे कमाने के लिए लाखों जतन कर रहे हैं।